इमाम अहमद रजा की तरफ बुरी नीयत से उठेगी वो आंख बंद कर दी जाएगी हमेशा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जबान इमाम अहमद रजा के खिलाफ खुलेगी उस होंठों पर टेप लगा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज के दौर में हम जब अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं तो हम इमाम अहमद रजा के मोहताज हैं। इसलिए कि हमारे पास क्या हथियार है? अगर हम इमाम अहमद रजा से अपना मुंह मोड़ लें तो कादियानियों के लिए हमारे पास क्या हथियार है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मुखल्लिदीन के लिए क्या तोप है हमारे पास? वहाबियों के लिए क्या निजा है? कोई बदमाशा हमारे सामने आए हम मजार मुजद्दिद पर हाजिर होकर अर्ज करते हैं क्या इमाम ये कादियानी हमें परेशान कर रहा है, इसका क्या जवाब है? तो मजार अक्दस से आवाज आती है कि उस गैब की खबर जानने वाले नबी के इल्म के सदके में मुझे मेरे रब ने बोल बता फरमाया था। एक एक लफ्ज बहुत सोच के बोलना पड़ता है। मुफ्तियाने सुन्नियत है, इनके यहाँ चेहरे देख के नहीं हरकतें देख कर फतवे लगते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं दारुल उलूम के शेख साहब ने गलत लिख दिया और उस पर फतवा लग गया कुफर का, और जब बाद में पता चला कि ये तो मोहतमिन साहब का लिखा हुआ था तो पूरे खानदान ने रुजू कर लिया। कहा मेरी सात पुश्तों का रुजू, पिछड़ियों का भी और अगलियों का भी। के जानने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के सदके में मुझे वो इल्म दे दिया। मुझे पता था कि ये सुन्नियत पर ऐसा वक्त आएगा। जाइए मौली साहब आप फला फला किताब देख लीजिए, आप फला रिसाला देख लीजिए, और फिर हम इमाम अहमद रजा की दी हुई तलवार की मदद से अल्लाह के प्यारे रसूल के दुश्मनों के सर को कलम करके चले आते।